हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल यू कैन नॉलेज हब। मेरा नाम आशीष है जी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए के बारे में, यूके से यूएसए की डोंकी के बारे में, यूके मेक्सिको के बॉर्डर पे क्या अपडेट हैं, क्या हालात हैं, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत से मैसेज आ रहे थे। तो मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके वो आज डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, सब बताऊंगा कि अब जो अभी अक्टूबर जो मिड चल रहा है तो एंड ऑफ अक्टूबर भी आ गया, जैसे कि आज 23 अक्टूबर है। तो इसमें आप इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि क्या हालात हैं यूके में से यूएसए की डोंकी में, क्या कहां से चल रहा है, क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग यूके में रह रहे हैं या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक नंबर में जाएँ, डोंकी के ज़रिए ना जाएँ। किसी भी देश में आप लीगल तरीके से ना एंटर हो, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप रूल ब्रेक करोगे उस उन कंट्री के। मैं नहीं कहता कि आप वहाँ से इसे दो नंबर में जाओ, आपको हमेशा एक नंबर में जाना चाहिए, वीज़ा लगवा के जाना चाहिए। बट जो हालात चल रहे हैं यूके से यूएसए के बारे में, यूएसए में कैसे हालात हैं अभी बॉर्डर पर, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन, ताकि यूके के बारे में या यूएसए के बारे में या और अदर किसी कंट्री के बारे में कोई भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ वो आप तक जरूर पहुँच सके। आज दो चार टॉपिक के बारे में बात करूँगा। पहले बात करूँगे कि यूएसए के बॉर्डर पर क्या हालात हैं, कैनेडा से यूएसए जाने पर कैसे वहाँ पर जो कैंप हैं उन कैंपों में रख रहे हैं या जाने दे रहे हैं, बयान पास हो रहे हैं कि नहीं। तीसरा, जो यूके से यूएसए के हालात कैसे हैं, जहाँ से डोंकी चल रही है कि नहीं, ये सारा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, एंड तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेक्सिको और यूएसए के बॉर्डर में। जी हाँ, वहाँ पे हालात अभी बिल्कुल ही टाइट कर दिए हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है जो मेक्सिको बॉर्डर के, जो वहाँ से जो एंट्री बहुत कम दी जा रही है, जो लोग मोस्टली 90% लोगों के बयान फेल हो रहे हैं। अगर आपके बयान फेल हो जाते हैं तो फिर आपको इमिग्रेशन जज के पास लिया जाता है, लेके जाया जाता है। वहाँ पे भी अगर आपके बयान फेल हो जाएंगे तो आपको डेपोटेशन लग जाएगी। तो पहले होता था कि वीक में जब 1500 हो जाता था तो बंद कर देते थे, अब सब महीने में 1500 लोगों को जाने दे रहे हैं। और पहले ये होता था कि अगर आप हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ जा रहे हो तो आपके बयान नहीं होते थे, आपको छोड़ दिया जाता था। अब वो भी नहीं है, उनको भी रोका जा रहा है, उनके भी बयान फेल हो रहे हैं। अगर आपकी जो किस्मत अच्छी है तो अगर आपको वहाँ से छोड़ दें, बहुत ही कम केसों में वहाँ से छोड़ रहे हैं। और अगर आपके बयान वहाँ पे फेल हो जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन जज के पास पेश करते हैं, अगर वहाँ पे फेल होगा तो आपको पता डेपोटेशन लग जाती है। तो बहुत टाइट किया हुआ है। तो मोस्टली वो उन लोगों को रोक रहे हैं जो काफिला बना के आते हैं, 10-10 हज़ार लोग, जैसे सेंट्रल अमेरिका की तरफ से या जैसे दूसरी कंट्री से, जैसे होगी और जो उसकी साथ जो कंट्री हैं जहाँ से 10 हज़ार लोग आते हैं उनके लिए ज़्यादा सख्ती की हुई है। लेकिन बट बहुत से केसों में पंजाब हरियाणा से जो लोग आते हैं उनके लिए जो बॉर्डर खुले हैं, बट कुछ केसों में वो छोड़ दे रहे हैं, कुछ केसों में वो उनको बयान फेल हो रहे हैं। बट कुल मिला के तो टाइट किया हुआ है, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ है। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे जो कैनेडा से यूएसए जा रहे हैं, जो मॉन्ट्रियल से जा रहे हैं, वो पता लगा है कि वहाँ के जो लोग क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे बहुत से लोगों के 90% लोगों को बिना बयानों के छोड़ रहे हैं, बट कुछ जिनके बयान हो रहे हैं वो मोस्टली फेल हो रहे हैं। बट वहाँ पे भी सख्ती की हुई है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है और मेक्सिको के बॉर्डर के कंपेरेटिव, बट वहाँ पे भी सख्ती हुई है। तो यही मैं बताना चाहूँगा। अगर यूके से यूएसए की बात करें तो अभी स्टूडेंट्स को जो पहले मिल जाता था कि अगर आपके पास यूके का बीआरपी है तो आप वहाँ पे एंट्री मिल जाती, बट वो अभी बंद की हुई है। तो बट फिर भी लोग एजेंट कहते हैं कि हम पहुँचा देंगे, बट सब फेक है। जैसे मैं यही कहूँगा, कोई पैसा मत फंसाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ है, कोई बहुत कम चांसेस हैं यहाँ से जाने के। बट लोग कहते हैं कि हम पहुँचा देंगे, हमें पैसा दीजिए हम पहुँचा देंगे, बट वो सब फेक होता है। अगर आपने जाना है तो अगर आप स्टूडेंट हो यहाँ पे, अगर डिपेंडेंट वीज़ा पे, आप एक नंबर में जाएँ, खुद अपनी फाइल रेडी करें, बहुत इजी प्रोसेस है। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप जाना ही चाहते हो तो एक नंबर में जाएँ, खुद वीज़ा लेके जाएँ, दो नंबर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है, आपको भी ख़तरा हो सकता है। किसी भी कंट्री में आप अगर दो नंबर के तरीके से जाओगे तो सब लीगल है, आपको हमेशा एक नंबर में जाना चाहिए।
तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी बिल्कुल टाइट किया हुआ है वहाँ पे, कोई एंट्री नहीं मिल रही। अगर किसी किसी को एंट्री मिल रही है वो बाई लक मिल रही है, अगर मोस्टली बयान 90% बयान फेल हो रहे हैं, डेपोटेशन लग रही है। तो इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा कि अभी जो किसी का प्लान है जाने का तो अभी रुक जाए, जब तक इलेक्शन नहीं होते 5-6 महीने रुक जाए, बट अभी के टाइम में बहुत सख्ती हुई है वहाँ पर। तो होप करता हूँ आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।